अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई समझ के पढ़ता है और तारीफ करता है। ना बहुत से तारीफ करने वालों ने तो मेरा नॉवेल पढ़ा ही नहीं होता, सिर्फ सुना होता है। मुझे आपको एक खुशखबरी सुनाने की, समझे कि मेरा नॉवेल अप्रूव हो गया। अरे वाह हुरैन, बहुत बहुत मुबारक हो। हाला पार्लर को सही तरह टाइम नहीं दे रही। जी उन्हें मत बताइएगा, मेरा रूटीन कुछ ऐसी ही है। हम अपने इस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को अभी ओपन नहीं कर सकते। अच्छी लगती है तुम्हारी बात, लगता है जिंदगी का लुत्फ तुमसे। पापा ने मेरे साथ आइसक्रीम नहीं खाई और मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी। जिन बच्चों की माएं मर जाएं, उनके बाप अक्सर ऐसा ही करते हैं। आप प्लीज कोशिश करें कि अगर आपके रिसाले में मुझे जॉब मिल जाए, आप कोई भी काम बोलेंगे मैं वो कर लूंगी, और सैलरी की भी कोई डिमांड नहीं है। मैं आपसे कंपनी के मालिक की हैसियत की तरह पेश आऊं, इसका मेरा जमीर और मेरा इस्लाम इजाजत नहीं देता। फैजान, 20 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। अब जानता हूँ बहुत बड़ी रकम है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा आज शाम आप आएंगे ना? शाम में नहीं, आज शाम में तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग भी है और थोड़ा बिजी हूँ मैं आज। हाँ लेकिन कल ट्राई करता हूँ, कल कोशिश करता हूँ, मैं मिलता हूँ शाम में। आपको पता है ना फैजान, मुझे हर शाम आपके साथ गुजारना अच्छा लगता है। जानता हूँ, प्रॉमिस कल मिलते हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज। ओके बाय। हाला आप आराम से बैठे, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता था आप पर्सनल कॉल कर रही हैं। अरे नहीं हुरैन, तुम्हारे मेरे बीच में कुछ पर्सनल नहीं है। हाला जब औरत की जिंदगी में मर्द आता है ना, बहुत कुछ पर्सनल होने लगा। मुझे पता है तुम निकानामा देख चुकी हो। देखो हुरैन, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी का एक कीमती अरसा दिया है। अगर मैं चाहती तो डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तुम उस वक्त बहुत छोटी थी और तब मुझे दूसरी शादी करने से ज्यादा तुम्हें माँ का प्यार देना जरूरी समझा। बाला मुझे आपके निकाह करने पर कोई एतराज नहीं है, ये आपका कानूनी और शरई हक, लेकिन अगर आप निकाह करने से पहले बता देती तो मुझे अच्छा लगा। हुरैन मैं तुम्हें बताना चाहती थी बस। कोई बात नहीं, हर इंसान अपना वजूद लेकर आया है और उसे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मुझे मालूम है हुरैन, तुम्हें बहुत दुख हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताए बगैर निकाह किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मैंने आपसे कभी शिकवा कब किया? हुरैन फैजान बहुत अच्छा इंसान है, तुम उससे मिलोगी ना तुम्हें बहुत खुशी होगी।
आपने उनसे शादी की है तो यकीनन अच्छे ही होंगे। मैंने अभी फैजान को कॉल की है, वो आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे एक बार मिल लो और अपना दिल साफ कर लो। मिलने की क्या जरूरत है, तो यकीन है वो अच्छे होंगे जिसके साथ के लिए आपने मुझे नजरअंदाज कर। ऐसा मत सोचो हुरैन, फिर मुझे अपने फैसले पर पछतावा होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी खाला भी हूं और तुम्हारी माँ भी, दोनों में से किसी एक रिश्ते के लिए दिल साफ कर लो। मुझे माफ कर दो, अच्छा देखो फैजान आते होंगे, तुम अब फ्रेश हो जाओ। देखिए उमर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा फौरन दुबई आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी हालात ऐसे हैं कि मेरी मौजूदगी लाजमी है। पिछली दफ़ा जब एक हफ्ते के लिए आया था तो कंपनी के अकाउंट से 20 लाख की रकम गायब हो गई। चले मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये भी तो बिजनेस है, अब स्टार्ट किया है तो आगे भी लेके चलना पड़ेगा। ओके ओके, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, आप ये याद रखते हैं और आप जाए प्लीज। थैंक यू। अरूबी साहब, ये किस लड़की का नावल आपने शाया कर दिया है? हुरैन सन, हुरैन नाम है उसका, बहुत अच्छा लिखती है, आपने शायद पढ़ा नहीं। ये लड़की पहले किसी डाइजेस्ट के लिए लिख चुकी है? पहले लिखा तो नहीं है किसी के लिए, लेकिन नावल अच्छा है। शायद साहब, आपके कहने से नावल अच्छा नहीं हो जाएगा। मेरी परमिशन के बगैर आपने तानिया और शबाज का नावल निकाल के एक अनोन लड़की को छाप दिया है। तो सर इसमें हर्ज क्या है, उनका नावल हम अगले माह शाया कर देंगे। शायद फारूकी साहब, इस लड़की ने आपको ऐसी क्या ऑफर कर दी है क्या आप इस पर लट्टू हो गए और इसी मन इस लड़की ने नावल भी शाया कर दिया मुझसे पूछे बगैर? कामरान साहब, प्लीज़ ज़बान संभाल के बात कीजिए। आप शायद इस बात से बेखबर हैं कि जज्बात में निकले हुए अल्फाज अक्सर शर्मसारी का सबब बनते हैं। फारूकी साहब, तो इसका इजाला कौन अदा करेगा जो आपने किया है? मेरा ख्याल है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं इस इदारे का एडिटर हूँ और मुझे हक हासिल है। ओ, आपके बताने का शुक्रिया, आप एडिटर हैं और आपको सब हक हासिल है और मैं मालिक हूँ, मुझे कोई अख्तियार नहीं। शायद साहब, आप मालिक के अख्तियार को भूल रहे हैं। शायद मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। कामरान साहब, आपने कह दिया समझे, आपने निकाल दिया, अब आपकी मर्जी, आप जो नावल जो अफसाना चाहे शाया करें, अब मैं दिले मेहरबान की कोई खिस्त नहीं लिखूंगा। और हुरैन का नावल तो वैसे भी आपको पसंद नहीं है। आए फैजान, ये है मेरा छोटा सा घर। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा घर। मेरी बेटी हुरैन बहुत ही प्यारी है, आपको पता है उसने फौरन ही मेरा फैसला तस्लीम कर लिया। सच कहते हैं, औरत ही औरत के जज्बात को समझ सकती है। हाय, बैठे। अरे चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उसे सच बता दिया। कम से कम अब तुम्हारे घर आने की इजाजत तो मिली।
वैसे तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। हुरैन के अब्बू ने ये घर बहुत ही शौक से बनवाया था। अच्छा, इसका मतलब है ये घर हुरैन के नाम होगा। हाँ, हुरैन के नाम है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है उसके नाम हो या मेरे। बुलाओ तो अपनी भांजी को, हम भी तो मिले। अब हुरैन, बेटा हुरैन, इनसे मिलो, ये फैजान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाला बैठे ना, मैं चाय बना। अरे नहीं नहीं, आज ज़ायदा तुम अपने हाथों से चाय बना कर पिलाओ। तुम इधर आके बैठो मेरे पास। मेरी बेटी है ना प्यारी। हाँ बिल्कुल सही कहा। सुना है कि तुम कुछ लिखती लिखाती हो, मेरा मतलब है नावल। जी मैं लिखती हूँ। वैसे क्या नाम है नावल का जो आजकल तुम लिख रही हो? ओह, मोहब्बत की ओट से। बहुत प्यारा नाम है। वैसे सुना है कि राइटर लोग वही कुछ लिखते हैं जो कुछ उनकी जिंदगी में उनके ऊपर बीत रहा होता है। मेरा मतलब है आप बीतती। जरूरी नहीं। हाँ लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो दूसरों के जज्बातों को ही फील करके लिखते हैं, जैसे कि वो उन पर खुद गुजरी हो। क्या नाम बताया था तुमने नावल का? अब मोहब्बत की ओट से। मोहब्बत की ओट। ये किताब मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मोहब्बत ही धोखे का आसान जरिया। वैसे तुम बातें भी अपनी ही तरह प्यारी करनी। चाय? हाँ 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 बिल्कुल। लीजिए ना। जी जी। वाकई तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। मेरी ही नहीं, अब ये आपकी भी बेटी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बशर्ते कि हुरैन भी इस बात को माने। से क्या फर्क है, मेरी बेटी बहुत मासूम भी है। अब हुरैन, तुम्हारा शायद फोन बज रहा है। फैजान, वो आपका मसला हल हो गया? हाँ, बहुत परेशान, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटे को अभी नया नया कारोबार शुरू करवा के दिया है दुबई में, उससे भी नहीं कह सकता। मेरे अकाउंट में 5 लाख तक होंगे, आपको चाहिए तो आप वो ले लें। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो ज़ाहिदा, मैं भला तुमसे पैसे लेता हुआ अच्छा लगूंगा? नहीं। क्या हो गया, आप और मैं अब अलग थोड़ी हैं, हम मियां बीवी हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अपनी भी तो कुछ जरूरियात होंगी। आपकी परेशानी से बढ़कर तो मेरे लिए और कुछ नहीं। मैं कल ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हूँ। Thank you.
हाँ हाँ सुन रही हूँ। क्या हुआ रैन, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, आप बताओ कैसे फोन किया? क्या रोज मैं किसी काम से फोन करता हूँ? नहीं लेट नाइट करते हो, आज शाम में कर लिया इसलिए पूछा, कोई खास वजह? मोहब्बत में वक्त की कैद अच्छी नहीं लगती। आशिक वक्त और लोगों की बातों की परवाह नहीं करते। इतने भी दीवाने नहीं हो आप मेरे, पता है मुझे। तो फिर कैसा दीवाना हो? अच्छे क्या बता। अजीब बात है कि एक राइटर को जज्बात और ख्यालात का नहीं पता। अपने मामले में सभी एक जैसे हो। फोन तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। अभी इस वक्त? क्योंकि कल की फ्लाइट से मैं दुबई जा रहा हूँ। तो सच में मिलना चाहते हो या फॉर्मेलिटी निभा रहे हो? तुम्हें ये फॉर्मेलिटी लग रही है? हाँ लग तो रही है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ओरेन, कभी कभी तो इंसान बहाना भी बना सकता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती और मैं इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकती। राइटर लोगों का ये बहुत बड़ा मसला होता है कि हर बात में दलाइल और फलसफा। अब क्या कर सकते हैं, इंतजार करते हैं कल का। चलें अभी मुझे कुछ लिखना है, बाद में बात करते हैं। ओके चलो सी यू। लगता है कि वो रैन की कॉल कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, मैं चलता हूँ। हाँ शायद फैजान, सब कुछ इतना अचानक हुआ है, और रैन को कबूल करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा साथ हो तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। और आपको कुछ बुरा लगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके फिर कल मिलते हैं। आपको जैसे ही ऑफिस से फुर्सत मिले घर आ जाइएगा। अरे दिल तो चाहता है कि फुर्सत हो और तुम्हारे साथ, मेरा मतलब है दुनियादारी भी तो कोई चीज है ना, उसे भी निभाना पड़ता है। चलें ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके चले गए वो? हाँ तुम्हारा काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। हालांकि उन्हें तो सिर्फ अब आपकी तारीफ करनी चाहिए। हुरैन अब बाप है वो तुम्हारा। जो भी है सन्ना करे आपके हक में बेहतर हो, और आपको वो मोहब्बत मिले जिसके लिए आपने उनसे शादी की। शादी तभी होती है जब मोहब्बत और सच्चाई पर यकीन हो, और मैंने फैजान को बहुत जांचने के बाद ही उससे शादी की है। मोहब्बत की खराबी ये भी है कि जिसको हो जाए मैं परखने की सलाहियत खुद ही दम तोड़ देती है। तुम्हें फैजान की सच्चाई पर शक है? माँ बेटी से मुतालिक शक करे तो अच्छा लगता है, लेकिन बेटी को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी माँ पर शक करे। उसका ये हक बनता है कि वो अपनी माँ पर यकीन करे, सिर्फ यकीन। मेरी हुरैन मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए फिक्रमंद भी होते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। हाँ लेकिन हुरैन, भले दुनियादारी के लिए ही सही, अगली बार जब वो आए तो एटलीस्ट उन्हें इतना रिस्पॉन्स तो दो कि उन्हें ये ना लगे कि उनका आना तुम्हें बुरा लगता है। ठीक है।
माँ सिर्फ वही होती है जो बच्चे को जन्म देती है। दुनिया की कोई दूसरी औरत माँ नहीं बन सकती। खाला ने माँ बनकर पाला, लेकिन ज्यादा अरसे माँ का रूप बरकरार ना रख सकता। किसी की महबूबा बन बैठी और किसी की बीवी। लेकिन अगर सगी माँ होती तो शायद वो सब ये ना करती। तकदीर भी कैसे कैसे मोड़ पर ले आती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ कि इंसान अपनी परेशानी किसी से शेयर भी ना कर सके। हालांकि अलावा एक आर्यन ही है जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उससे ये बात शेयर नहीं कर सकती। क्या सोचेगा वो? नहीं नहीं, उसे नहीं बताऊंगी। जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि जिंदगी जो सितम ढाए चुपचाप सह लेने चाहिए। वरना इंसान खामखा लोगों की बातों का मौजू और दुनिया के लिए एक तमाशा बन जाता है। जी आइए जी। वो फारूकी साहब? फारूकी साहब तो अब यहाँ काम नहीं करते। आप बताइए आपको किस सिलसिले में आना हुआ? लेकिन कल तो यही थे, मैं बहुत उनसे मिल फिर गई और वो इसी महीने मेरे नॉवेल की पहली किस्त शायद है। वो छप चुका है, आप जाते हुए मार्केट से लेते जाइएगा, लेकिन वो आपके नॉवेल की पहली और आखिरी किस्त होगी। क्या मतलब आखिरी होगी? क्योंकि हम नए राइटर्स के नावल शाया नहीं करते, समझिए। आप ही की वजह से शायद फरूकी साहब को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। ये क्या बात? आप मुझे क्या समझ रही? मालिक को इस पर्चे का कामरान खान। आपने बहुत बड़ी गलती की फरूकी साहब ने। गलती मैंने नहीं की, फरूकी साहब ने की है। मेरी परमिशन के बगैर आपका नावल शाया करके। अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो आप अच्छा तो क्या एक जॉब से निकालने की क्या जरूरत है? देखिए बीबी, ये मेरा अपना रिसाला है, कोई खरीदे या ना खरीदे ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपको इसमें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है, समझिए। आप मेरा ख्याल है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी एक बात याद रखिए, आपका बुरा हुआ उसी दिन से शुरू हो जिस वक्त से खान के साथ योर ऑफिस हो। Excuse me. जी मैम। जी वो मुझे फारूकी साहब का नंबर चाहिए था। ठीक है मैम, आप पूरे नोट करें।
हेलो हेलो जी फारूकी साहब, मैं वरेन बात कर रही हूँ। वरेन बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज मैं ऑफिस आई तो मुझे पता चला कि मेरी वजह से उन लोगों ने आपको जॉब से निकाल दिया। अगर ऐसी बात है तो आप मेरी नॉवेल शाया ना करें, मैं कौन सी इतनी बड़ी राइटर हूँ। अरे बेटा, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया और मुझे उसका अफसोस भी नहीं है। तुम्हारा नॉवेल मयारी था, इसीलिए मैंने छापा। वो तो ठीक है सर, लेकिन मेरी वजह से जॉब तो गई ना आपकी। आप इतने अच्छे एडिटर थे और इतने अच्छे सिलसिलेवार आप नॉवेल लिख रहे थे। देखो बेटा, जिस इंसान को काम आता हो ना, उसे काम देने वालों की कोई कमी नहीं होती। आप मुझे अपना एड्रेस भेजें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ एड्रेस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। लगता है बहुत बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था। जनाब, इंतज़ार बेचैनी से ही किया जाता है। तुम भी गुरैन की तरह कुछ शायराना बातें नहीं करने लगी? जाहिर है, गुरैन बेटी किसकी है, कुछ तो असर होगा। कम ऑन, अब उसे बेटी कह के ना अपनी पर्सनैलिटी डाउन मत कर लिया करो। तुम अभी हसीन हो, जवान हो, उसे बेटी कह के ना अपनी दिलकशी में इजाफे के बजाय कमी कर देती हो। फैजान, हुरैन जब छोटी सी थी ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसे अपने माँ बाप की कोई कमी महसूस हो और लोग उससे सवाल करें उसकी माँ के बारे में। इसलिए मैंने हुरैन को माँ का प्यार दिया है। बाय द वे, मैडम है कहाँ, नजर नहीं आ रही? वो अपने मैगजीन के ऑफिस गई है। और वैसे आप मुझसे मिलने आए हैं या हुरैन को डिस्कस करने आए हैं? ऐसा हो सकता, चलिए चाय वाय पिलाएं। नहीं नहीं, आया जी भाई, चलें। जी आर्यन, कहाँ हो रहे हैं? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मैं आपको एक घंटे में फ्री होके कॉल करूँ। हो रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम्हें बताया तो था मैंने आज जाना है। मैं रिक्शे में हूँ, मुझे सही से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ मैं आपको फ्री होके कॉल करूँ। ओके। सही, यहाँ से सीधे हाथ। बेटा बैठो, बेटा बैठो, बैठो, आराम से बैठो। ठीक हो तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, एड्रेस मिल गया आसानी से? जी मिल गया। गुड। ओ, मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्हीं वजह से उन्होंने आपको निकाल दिया। बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे सही फैसले की वजह से। और बहुत ही कोई बदतमीज आ, कह रहा था मेरी नौबत की सहरी किसकी आखिरी किस्त। बेटा, तुम्हारा नॉवेल अच्छा है, मयारी लिखा हुआ है, कोई भी पब्लिशर छापने के लिए एग्री हो जाएगा। मैं खुद बात करूंगा। वैसे तो बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई अपना रिसाला निकालूं, क्योंकि कोई और काम मुझे आता नहीं है और कोई और काम मैं करना भी नहीं चाहता। और आपको कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने अच्छे राइटर हैं आप। मैं तो समझती हूँ बदकिस्मत ही उस आदमी की जिसने आपको निकाल दिया। आप
रिसाला निकालें, मैं आपके साथ हूँ। बेटा तुम मेरी बेटियों की तरह हो, अब तुमसे क्या छुपाना। एक मयारी रिसाला निकालने के लिए बहुत सारे सरमाए की जरूरत होती है जो मेरे पास नहीं है। आप बस फाइल सबमिट करवाएं, पैसों का बंदोबस्त मैं कर देती हूँ, हम साथ मिलकर रिसाला चलाएंगे। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, हम दोनों मिलकर बहुत ही मयारी रिसाला निकाल सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ। बेटा मेरी तो एक अरसे से ख्वाहिश है कि अपना रिसाला निकालूं। अब ये देखो इसी में होगा, मैंने नॉवेल का नाम भी सोच के रखा हुआ है। अच्छा ये देखो कुछ चीजें भी लिखी हुई है मैंने। बहुत प्यारा लिखा है आप बस अल्लाह का नाम लेकर फाइल सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही डिक्लेरेशन लेटर आता है हम काम शुरू कर देंगे। और पैसों की टेंशन मत लीजिएगा, उसका बंदोबस्त मैं कर लूँगी, ठीक है। बेटा डिक्लेरेशन हासिल करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम्हें फौरन मिल जाएगा। आप मुतमईन हैं, सब कुछ हो जाएगा। शने फारूकी साहब अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। ठीक है ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक ओके ओके बेटा प्लीज। Thank you.